जहां छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड में नक्सलियों पर सरकार दिन ब दिन कड़ा रुख अख्तियार कर रही है, वहीं महाराष्ट्र सरकार ने अर्बन नक्सल की कमर तोड़ने के लिए नया कानून लेकर आ रही है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के विधानसभा में शहरी नक्सल से निपटने के लिए एक बिल पेश किया है। इस बिल का नाम महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 2024 है। यदि यह बिल विधानसभा में पास होता है तो इससे शहरी इलाकों में बढ़ रहे नक्सलवादी गतिविधियों से निपटने और इनके नेटवर्क को ध्वस्त करने में सरकार को मदद मिलेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीते गुरुवार 11 जुलाई को विधानसभा में इस बिल को पेश किया था। उन्होंने इस बिल को लेकर कहते हुए बताया कि नक्सलवाद न केवल महाराष्ट्र बल्कि कई इलाकों में तेजी से फैल रहा है। कई अलग अलग संगठन नक्सलियों को भारी हथियार और फंडिंग मुहैया कराने में मदद कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इससे निपटने के लिए मौजूदा कानून काफी नहीं होगा, इसीलिए इस बिल की हमें जरूरत पड़ी। जानकारी के लिए आपको बताते चले कि मौजूदा वक्त में नक्सल प्रभावित राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट लागू है और लगभग 45 से ज्यादा उग्रवादी संगठनों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अब तक बैन लगा चुकी है। इस बिल के कानून के बनते ही सरकार के पास ये अधिकार होंगे कि वो किसी भी नक्सल संगठन को गैर कानूनन घोषित कर सकती है। इस कानून में अपराधों के आधार पर सजा दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति किसी गैर कानूनी संगठन का सदस्य है या वो संगठन के लिए पैसे जुटाता है या किसी भी प्रकार से उनकी मदद करता पाया जाता है तो ये आरोप उस पर सिद्ध हो जाता है तो उसे 2 से 7 साल की सजा के साथ साथ 2 से 5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। वही किसी भी नक्सली गतिविधि में अगर आपकी संलिप्तता पाई जाती है तो आप दोषी सिद्ध होंगे तो आपको इस कानून के तहत 7 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। बता दें, इस कानून में गिरफ्तारी गैर जमानती होगी। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कानून UAPA जैसा ही है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये कानून UAPA से बिल्कुल अलग है। महाराष्ट्र नक्सल विरोधी विधेयक और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA दोनों के पास ये शक्ति होती है कि वो इसलिए किसी भी संगठन को गैर कानूनी संगठन घोषित कर सकती है। UAPA की बात की जाए तो अगर किसी संगठन UAPA के तहत बैन किया जाता है तो उसकी सुनवाई हाईकोर्ट के जज की अगुवाई वाली विशेष अदालत करती है और वो इस मामले पर अपना फैसला सुना सकती है। वहीं महाराष्ट्र में पेश होने वाले नक्सल विरोधी विधेयक UAPA की सुनवाई वाली प्रक्रिया से बिल्कुल अलग होने वाला है। इसमें 3 सदस्यों का एक एडवाइजरी बोर्ड होगा जो फैसला सुनाएगी।